शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल बॉक्स ऑफिस पर हाल ही में ही रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई भी कमाल नहीं कर पाई। यहां तक कि फिल्म ने शाहरुख खान की लास्ट फ्लॉप फिल्म फैन से भी कम का बिजनेस किया और इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई। खैर, इसका दोष सिर्फ शाहरुख को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने भी शाहरुख की एक्टिंग का कुछ खास इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने भी फिल्म को कुछ खास तरीके से लिखा ही नहीं। पिछले कुछ सालों से शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस ग्राफ कुछ खास नहीं चल रहा है, पर आपको बता दें कि अभी भी शाहरुख के पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसे ना दंगल तोड़ पाया है ना ही बाहुबली। वेल, बाहुबली 2 इस रिकॉर्ड के पास जरूर पहुंचा, पर इसे तोड़ नहीं पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा रिकॉर्ड है जो ये दो बड़ी फिल्में भी नहीं तोड़ सकी। तो चलिए हम आपको बताते हैं, वो रिकॉर्ड है हाईएस्ट डे ओपनिंग कलेक्शन का। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने अपने पहले दिन 44.97 करोड़ की कमाई की थी, जो आज भी हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। वहीं बाहुबली 2 ने 41 करोड़, प्रेम रतन धन पायो ने 40.35 करोड़, सुल्तान ने 36.54 करोड़ और धूम 3 ने 36.22 करोड़ का अपने ओपनिंग डे पर कलेक्शन किया था। 2014 से अब भी बॉलीवुड इंतजार कर रहा है शाहरुख खान की इस फिल्म के रिकॉर्ड का टूटने का। आपको क्या लगता है, कौन सी फिल्म ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।